गिरजा पत ओ गणपति तुम्हें रहो मनाई, और माखन चोरी की कथा रहो अभी मैं गाई। माखन चोरी की कथा सबको रहो सुनाई, ब्रज की सखियां प्रेम में पागल बुलावे हाय बनवारी, कैसे चोरी करे कन्हैया सुन ले सब सरदारी, सभी से अर्ज हमारी है प्रभु ने खेल रचायो, और कैसे चोरी करत कन्हैया कैसे माखन खायो, कैसे चोरी करी समरिया ने कैसे माखन खायो। आहा, चाल ठुमकीली कैसे चल रहे हैं अब सखिया, रही मस्ताई चाल ठुमकीली कन्हैया चल रहे हैं सब सखिया, रही मुस्कियाई चाल ठुमकीली कन्हैया। दोस्तों, आत्रमूर्त कैसेट के माध्यम से बड़ी ही पावन पवित्र गाथा मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। माखन चुराने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि 6 दिन की उम्र में पूतना मारी और 27 दिन की उम्र में भगवान ने एक कमाल और किया है। अरे छकड़ा के नीचे पलना, पलना है छकड़ा के नीचे पलना, सरला बाई में ले तो ललना, पलना है छकड़ा के नीचे पलना, मीरा बाई में ले तो ललना, अरे ये कंस को पड़ रही कलना, अरे ये कंस को पड़ रही कलना, और अब मौत की जाको सलना, इधर भोजराज कंस को चैन नहीं है। उसने सक्कासुर नाम के राक्षस को बुलाया और कहा कि जाओ तुम हमारे भैरी को मार के आओ जिसने पूतना मारी। सक्कासुर चला और भगवान जब पलना में लेटे हैं सब तो आगत स्वागत के चक्कर में, और वो पैरों के पास बैठ गया। भगवान का गला दबाने को उसने हाथ बढ़ाया तो भगवान हाथ पैर चला के रोने लगे, और क्या किया, ओ सक्कासुर के नाक में एक लात प्रभु ने मारी, और पापी फौरन मरियो रे, अरे पापी फौरन मरियो रे, गजब कर दो भारी महाराज लाते कई में इठियो है, और मनमोहन से सकटासुर को संकट मिटियो है।
अब 27 दिन में नाथन हाय पापी संघारो है। अब 27 दिन के भये प्रभु ने पापी धर्मारो है। ने दुश्मन मारो है। अब 27 दिन के भाई कन्हैया ने पापी शक्तासुर को मार दिया। अब भगवान 2 बरस के हो गए। एक दिन मां यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में लिए बैठी है आंगन में। जब शक्तासुर मारा गया तो कंस की वेदना बढ़ गई और उसने तृणाव्रत नाम के राक्षस को बुलाया कि तुम जाओ कन्हैया को मारो। आओ वो आओ काय में आंधी में न द्वारे हवा, न गली में हवा, न छत्ते पे हवा, ब आंगन में ही हवा की लहर फूटी। कायम सज्जनोतना व्रत ही खलने वो अपनी माया बांधी थी और माया ही का था अंधकार और माया की वो आंधी थी। माया ही का था अंधकार और माया की वो आंधी थी। ओ राधे एकदम से मां यशोदा की आंखों से अंधेरा छा गया। भगवान छूट गए। वो पापी भगवान को अंतरिक्ष में उड़ा ले गया। आसमान में जाकर भगवान ने उसकी नाक में एक घूंसा मारा। वो मर के जमीन पर गिर पड़ा भगवान से पहले। इस तरह भगवान कन्हैया ने तृणाव्रत नाम का राक्षस मारा। अब भगवान तनिक सियाने हो गई तो पहलो काम उनको कौन बनो, माखन की चोरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार भगवान ने माखन इसलिए चुराया कि घर में उनका पेट नहीं भरता होगा, लेकिन भक्तों ये बात नहीं है। जब माखन की चोरी में बड़ो रहस्य है। आप लोग सोचते होंगे कि आधार चोरी में क्या रहस्य है, तो भक्तों मैं बता रहा हूं। जो गोकुल की लड़कियां हैं, ललता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, मीरा, अनीता, ये काउन काउ बहाने भगवान कन्हैया को देख जाती यशोदा के आंगन में। और जो गोकुल की बहुएं काउ को 5 महीना गोने को भये, काउ को 8 महीना गोने को भये। उनकी सासुलियां इतनी झीट रहे नारद कि इतना मौका ना दे करें कि वो भगवान को देखे आए। तो जब वे शाम को दही जमाव करें दही, तो घूंघट घूंघट में एक गीत गाओ करें। कौन सो गीत बताएं, बुई गीत तुम्हारा घूंघट में गाओ करो। कौन सो गीत, बड़ो मीठो गीत है जो दिल के तारों को छेड़ देता है। कौन सा गीत, मेरे प्यारे कन्हैया मेरे आंगन में आजा। क्यों, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। अरे नारद, कैसा रस है इस प्यार में। मेरे प्यारे कन्हैया मेरे आंगन में आ जा। क्यों, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। कहती तेरे दर्शन को अखियां प्यासी, हाय तेरे दर्शन को, हाय तेरे दर्शन को राम, तेरे दर्शन को अखियां प्यासी, अखियां प्यासी। क्यों, अभी हमने जी भर के। बहुत लंबा इशारा कर रही हैं। अरे प्यार, डेफिनेशन ऑफ लव, लव फॉर दी लेटर लेजी ऑफ दी सौरज ऑशन ऑफ दी मिजरी,
वैली ऑफ सिंडनेस एंड ऑफ लाइफ, प्यार दुखों की झील, कांटों की सेर और जीवन का अंत है। दिल दिया है श्याम तुम्हें, ये एतबार की हद थी। जरा मेरी बात को गहराई से समझिए विद्वानों। दिल दिया है तुम्हें, ये एतबार की हद है। जान दे दूंगी तेरे पीछे, ये मेरे प्यार की हद है। और कह रही है, मर जाऊंगी कन्हैया, मेरी खुली रहेंगी आंखें, क्यों, ये तेरे आने के इंतजार की हद है। क्यों, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। एक जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने हाय, अभी हमने हाँ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। बेड़े ये आग है उन प्रेम की हिरणियों के दिल में। आह, गुल खिलता नहीं खुले दिल से। देखिए उन लड़कियों का कैसा प्यार अनूठा है। ललता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, इन लड़कियों का कैसा अनूठा प्यार। जिस समय घरों में ब्रज बालाएं दध दूध जमाया करती थी, दध दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से राधे रसियों को बुलाया करती थी, खेला को बुलाया करती थी, मोहन को बुलाया करती थी। क्या कहती थी, घूंघटी घूंघट में नारद, चित चोर तुम्हारे खाने को धर रही में दही ठिकाने से, मेरे लाला मेरे मोहन आई जइयो जाई बहाने से, आई जइयो जाई बहाने से। और एक बात और बताऊं भक्तों, नारद, जहां दो दिलों का सच्चा प्यार होता है तो मजा कब आता है। गुल खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाला झाड़ न हो, रस मिलता नहीं मिले मन का जब तक कटू छेड़े छाड़ना हो, जब तक कटू छेड़े छाड़ना हो। रस मिलता नहीं मिले दिल का ओ राधे, रस मिलता नहीं मिले दिल का जब तक कटु छेड़े छाड़ना हो, जब तक कटु छेड़े छाड़ना हो।
वास्तव में लोगों, जब दो दिलों का सच्चा प्यार होता है और जब दोनों प्रेमियों में छेड़छाड़ होती है तो प्यार का रस अनूठा होता है। इधर तो राधा और ललिता को गंगा और जमुना जैसो जोड़ा है और इधर भगवान कन्हैया के साथ में संकीर्ण मदन बलबीर छदामी दामा मनसुखा जो चंचल और हसोड़ा है। तो भगवान कन्हैया मनसुख से दादा कहते हैं और मनसुख भगवान से लाला कहता है। और लोगो बाई गोकुल में शीला नाम की बहू रहे, शीला नाम की बहू बाको मैं को कहां रहे बरसाने में, वो भगवान की बड़ी दीवानी, बड़ी दीवानी। और लोगो आज भगवान कन्हैया सोचन लगे कि माखन चोरी के बहाने शीला भाभी को दर्शन देना है। एकदम से पहुंच गए ग्वालियर के पास और बोले, अरे दामा भैया, मनसुख दादा, शंकीन, मदन, बलबीर, आज क्या कर रहे हो? आज कोई काम नहीं है? तो काम मैं बताऊं भैया? चलो माखन की चोरी करें, शीला भाभी की धोरी गैया बहुत अच्छो दूध देवे है और बाको माखन बड़ो मीठो होवे है। क्यों अरे सारे तू नहीं जानत है, इन ब्रज की सकियन के गुलचे बड़े भाग से मिलते हैं। तो ऐसो करो क्या माखन माखन हमें देते रहियो, गुलचा गुलचा तुम खाते रहियो। अब चलो जाके भाग्य में जो लिखो है ऐसो मिलिए। चलो आज भक्तों चल दिए हैं संकीर्ण मदन बलबीर दामा धायो, मनसुखा के संग में श्याम चलो मुसिकायो, महाराज द्वार शीला के आए हैं और खुल ले धरे के बार द्वार के खुल रहे यार के बार खुले हैं द्वार के खुल रहे यार की बार के मन में सब हर्षाए हैं, खुल रहे यार की बार। लोगो कछु धीरे धीरे कह रहे हैं, कछु धीरे धीरे कह रहे हैं और मन ही में मन गोपाल कछु होले होले कह रहे हैं। आ गए शीला भाभी के दरवाजे पर, तो शीला कहां थी उस समय के बार खोले हैं। शीला भाभी भरन गई पनिया, घर में नहीं है, कहां गई पानी भरने। अरे भरन गई पनिया, अरे बे गोकुल की धनिया भरन गई पनिया, भरन गई पनिया, भरन गई पनिया, भरन गई पनिया, बे गोकुल की धनिया भरन गई पनिया। पानी भरन गई, किवाड़ खुले हैं। मनसुख दादा कहन लगे, अरे कन्हैया, श्याम बोले हाँ, अंदर अंगना में आज नहीं कोई, अंदर अंगना में, अंदर अंगना में आज नहीं कोई। अरे ललऊ को ले गई, अरे ललऊ को ले गई, अब धर करके कनिया पनिया भरन गई, गोकुल की धनिया पनिया भरन गई, गोकुल की
धनिया धनिया पनिया भरन गई। इधर उधर प्रभु निगाह जब करी है, दही की मथनिया छींके पे धरी है। इधर उधर देखा, दही वाली मथनिया छींके पर है। अरे मनसुख दादा, मौत तो जल लग रही, दौड़ बेकार हो गई दौड़। क्यों? कैसे हाथ लगे? अरे छोटी बहिया पनिया भरन गई, गोकुल की धनिया पनिया भरन गई। अरे दामा भैया, मौत तो जल लग रही दौड़ बेकार हो गई। ओ छदामी भैया, छोटी छोटी बैया, छोटी छोटी बैया कहते दही मिलेगो गुइया। बतलाई दे बतलाई दे बतलाई दे, अरे मेरे आंगन में भैया पनिया भरन गई, गोकुल की धनिया पनिया भरन गई। इधर उधर में देख रहे पर भाभी नजर में आ रही है, ओ ऊपर धरी है छींके पर वो हमें बहुत तरसाए रही है। मीठो माखन है भाभी को और जीभ मेरी भराए रही है। और जा तो समय पे हाय हाय मोय अब याद दही की आ रही है। कोई जुगाड़ बता दे। अरे मनसुख दादा, कछु जुगाड़ बता तो आंगन बिल्कुल सुनो है, कछु जुगाड़ बता दे। अरे काम को पनिया पनिया भरन गई, गोकुल की धनिया पनिया भरन गई। कल माखन मीरा को खाओ इतनो मजा ने आओ, सरला ने भी मन करके या माखन हमें चखाओ है। अकेले अकेले माखन खाओ हमें मजा नहीं आओ है। आज सब मिलके माखन खाए और जाय में नमकीन पड़ेगी। चनिया पनिया भरन गई, गोकुल की धनिया। मनसुख दादा, अब का करनो है? अब का करनो, जुगाड़ हम बता दे। जुगाड़ तू बता दे भैया, जब मथनिया कैसे हाथ लगे? लेकिन ऊपर ऊपर वालों माल मोए चाहिए सारे। अच्छा सारे, हम ऊपर ऊपर वालों माखन तो दी। भक्तो ये ब्रज की दो गाली बहुत प्यारी हैं, सारे और रसिया। हियन कोई लड़की का लड़का सो रसिया कह दे लोग बड़ा पाप मानेंगे, लेकिन ब्रज में आज भी जब कोई लड़की प्यार से बुलाती है तो कहती है रसिया तन कहते आओ। रसिया शब्द बुरा नहीं है। रसिया हनुमान को बताओ, राम चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और सारे तो मनसुख लाल कहने लगे, सारे हम जुगाड़ तो बता दे। लेकिन ऊपर वालों माल चाहिए हमें। ऊपर वालों माखन हम तो दिए, बता दियो ना दिए। तो ऐसा करो मेरे कंधन पे खड़े हो जाओ और छीके पे तो मथनिया उतार लो। छदामी भैया, तू थोड़ा सहारा लगा देना। हाँ हाँ। भगवान का नहीं यार, मन सुखा के कंधे पे चढ़िया रे के आज बनवारी। चढ़ गए चढ़ गए, मन सुख के कन्नन पे चढ़िए हैं लीला धर बनवारी। और ऊपर से तुम मथनिया रे नीचे को उतारी। महाराज ग्वाल सब एकदम थक गए हैं और ऊपर बालो माखन मोहन चटाई कर आए हैं। जो मथनिया तिरछी करी
ऊपर वालों माखन भगवान पहली चट कर गए और नीचे वालों माखन भगवान लगे ले सारे माल मारो ले सारे माल मारो। महाराज मिली खजाने की चाबी और पानी भर के तोलो आई आंगन में भाभी। महाराज खजाने की पहले चाबी और पानी भर के आई गई है आज शीला भाभी। हरी हर बोलो मेरे भाई और कर्म लिखी न मिटे करो तय लाखों चतुराई। हरी हर बोलो मेरे भाई। ध्यान रखना भक्तों तब तक शीला भाभी पानी भर के आएगी और जो बाने घड़ा जमीन पे धरो और जो बाने घुसुर पुसुर सुनी सो एकदम से जो शीला अंदर को बड़ी सो संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा जो मन चुका भागो भगवान का नहीं धम दी से जमीन पे गिरी। ग्वाला भाग गए गोपाल पकड़ गए धीरा एकदम से आगे बढ़ के भाभी बोली दारी के आज पकड़ पाओ क्या कर रहा हो जो घर में। भगवान कन्हैया बोले भाभी हम तो तेरे घर को जानते नहीं आते मोर तो सारो मन सुखा ले भाई लाओ। शीला कहन लगी दारी के बातें बनावो पेट में सीखे आओ तो मन सुखा ले भाई लाओ फिर जब दही वाली मथनिया जमीन पर क्यों धरी। भगवान बोले जो हम तुम्हारे घर आए तो तुम तो हमको दिखाई नहीं दी और जब दही वाली मथनिया में चीटी हो गई तो हम चीटी बीनने लगे। शीला कहन लगी दौरी के तेरी बकालत काम नहीं करे तू चीटी बीनन लगो तू नहीं दही खाओ ना है, तो तेरे गालन सुद्धा ही कैसे लगो। भगवान कहन लगे चीटी बीनते ही बीनत हमारे गाल में खुजली मची सो मैंने खुजा ही दो। शीला बोली दौरी के आज नहीं मानूंगी आज बस जसोदा से कहूंगी जो कहो कहते मेरो लला बड़ो ईमानदार मेरो लला बड़ो ईमानदार। आज अरे बात जसोदा के ढिग जाय कहूंगी समुझाय बनतती भोरी तेरो लाला है बदमाश रे रे करे दही की चोरी। और क्या बोली जन लई मथनिया हाथ राम बद जात दही जन फोरी। धोखे में दही बिगाड़ राम मेरी कोरी धोखे में दही बिगाड़ हसी मेरी कोरी। मेरी बिलकुल हाय जा कोरी है जन धर घूसन ते फोरी है। मोते कह रहो गोरी गोरी है मेरी छुप के करी रहो चोरी है। मोते आए हमारी बनाई कोरी हती हो जाने धोके तो फोट डारी। मैं जन कबते सेंते धरे थी और छोसन सोचती के दूसरे को हाथ उन्हों ही लगे है और जाने हाथ घूसो सो घूसो और कोरी मथनियों फोड़ के धर दई। आज मैं जसोदा से बात करूंगी कि कितो बड़ो ईमानदार है। और भक्तों उसी समय आज हाथ में हाथ पकड़ लिया है और कैसे चली उल्हाना देने को। हाँ भक्तो एक बात और बता दूं आज मां यशोदा को लहना देने के लिए तो चली शीला भाभी भगवान की उंगलियां पकड़ ली। और एक बात और बताएं पहले की चुनरियां मोटी मोटी चलो करती थी घूंघट मालने तो रास्ता दिखाई नहीं देती और अब तो इन चुनरियां नहीं बादर फाद दे घूंघट मालने तो 3 किलोमीटर तक देख लो नाक में नथुनिया पहने के बूंद उधरे। भक्तों पहले की माताएं कमीज पहना करती थी ओरे आस्तीन की कमीज
कमर दिखाई नहीं देती थी, और अब कब कमीच है काहू पे नहीं, अब का चल भाई बेलाज, उन्हें लाज ही ना है, 14 ग्राम बन जा तो है। हमारी बड़ी को तो 1 मीटर बनते, छोटी को 14 बनते, घूंघट मार लो। ये घूंघट मारे जा रही है, देखिए उंगली पकड़े हैं, श्याम का घूंघट मारे हैं, जाने श्याम का मारे हैं जाने कहू और का, भगवान तो खींच रहे हैं, उंगली पकड़ के खींच रही हैं। जे घूंघट मारे जा रही हैं, तोल उनको पिया बैगेल में आओ है, भगवान ने हाथ छुड़ाई लियो बके कंठ को हाथ कहाओ है, भगवान ने हाथ छुड़ाई लियो बके कंठ को हाथ कहाओ है, घनश्याम ने आज भक्तो भगवान ने अपनी उंगली छुड़ाई ली, और शीला को दूल्हा बाई गली में चलो आए, सो भगवान ने अपनी उंगली छुड़ा के वो शीला के दूल्हा की उंगली पकड़ा दी, और बे सिलबिल्लू रहे भाजत जाए कछु बोली ना, और पहुंच गई माँ यशोदा के द्वारे अपने दूल्हा को लेकर, जगोरी घूंघट मारे नहीं मालूम पड़ा कि नटवर ने क्या नटखटपन की बात की है, और बोली जसोदा रानी, ओ जसोदा रानी, ओ जसोदा रानी बाहर आओ, एक तुम्हें कहानी सुनाई दूंगी, ओ जसोदा रानी, जसोदा रानी, जसोदा रानी, हाँ जसोदा रानी, तुम भोरी तुम्हारो लाला भोरो, बाहर निकलो। जसोदा बोली अरे शीला बहू बड़े दिनन में आई, शीला कान लगी पहले बाहर आओ तब हमें बधाई दो। जसोदा बोली आ रही, अरे का है गो भैया, जवाब दिया बेहद चंचल चालाक बड़ो, मैया तेरे कुमार कन्हाई है, देखो तो तनक बालाई पन में घर घर में धूम मचाई है, अरे मैया तेरो लाला सुने घर पाए कि घरन में घुस जावे, छींके के बन तोड़े आवे, गैयन से बछड़ा छोड़े आवे, खुद पीबे को लग जावे, गोरस माखन और दूध दही तेरे लाला के मारे बचो नहीं, बचो नहीं, गोकुल में ये सो मैयारी अंधेर अभी तक मचो नहीं, कहने लगी है बाहर निकलो। अरे ले गो है मैया, हाय मेरी ले गो है मैया, मथनी बिल्कुल कोरी हती कन्हैया, ले गो है मैया, मथनी बिल्कुल कोरी हती कन्हैया, ले गो मेरी मैया, हाय मेरी ले गो हाय दैया, मेरी बिल्कुल कोरी हती मथनिया, ले गो मेरी मैया,
मेरी बिल्कुल कोरी हटी मथनिया ले गो मेरी मैया। एक दिन की बात नहीं माँ, और एक दिन पड़ी हती पंगला पे आयो हाय दैया। एक दिन पड़ी हती पलका पे आयो हाय दैया, और धीरे धीरे दबे पाए से और पीगा सब गैया। मेरी कोरी कोरी हती के धोखे में ले गो हाय दैया, मेरी कोरी कोरी हती के धोखे में ले गो हाय दैया। एक बात नहीं बहुत उल्हाने हैं जा लाला के, और बोली एक दिन तो रात में पहुंचो, और हम तो सोए रही पलक पे आई गई निंदिया, और थोड़ी चूम गाल मेरे चूमे छुट गई मेरी बिंदिया, और आंख खुली तो एकदम भागो और हाय तेरो छैया। मेरी कोरी बिल्कुल हती मथनिया ले गो मेरी मैया, मेरी कोरी बिल्कुल हती मथनिया ले गो हाय दैया। कहा बताऊं कहा कहूं बात श्याम आए आधी रात में, तो जाग पड़ी किबारन की खटक खटक खटकन में, खोल की किबार सो टटोली मोए बाबरी, हाथ की चूरी फूटी झटक झटक झटकन में, बइया मरोरी पर जोरी करी श्याम रे ने कमर में, तीर होए पटक पटक पटकन में, ओरे आधार रुत चाखिया प्रेम रस, ओरे आधार मेरे लूट लो प्रेम रस, मेरो मन अटको रे मोहन के झटकन में, मेरो मन अटको, मेरो मन अटको रे मोहन के झटकन में, मेरो दिल उलझो रे मोहन के झटकन में। बाहर निकलो जाकी एक हरकत नहीं है, जाकी हजारों हरकतें हैं। आज जो जसोदा बाहर निकली और बाने देखोगे जिद्दारी अपने दूल्हा को पकड़े ओलानो मुंह दे रही। जसुदा ने हंस के कही और दारी घूंघट टालू, देख जरा मुंह खोल के है जे किन को लाल। एकदम कही दारी घूंघट खोल, एक घंटा होएगा दरवाजे भाषा देरी में चुप है रही, मैं तो सोची कि मेरे लाला होएगा, घूंघट खोल के देख जे कौन को लला है। हाय जो शीला ने घूंघट खोलो, शीला बोली मैया मोर गोधन की सौगंध है, मोर जमुना मैया की कसम है, मैं तेरे लला को लेके चली और दारी के निजन कहा अपनी उंगलियां छुड़ाई ली और इनकी उंगलियां पकड़ाई दी और तुम्हें चले आओ घरे, चलो तुम्हारी गाल छरी। शीला को दूल्हा कान लगो, हमें कहा पतो कहा रामलीला दिखाई बे गुलाई जा रही है, और भक्तो तब तक भगवान कन्हैया आ गए। जो कन्हैया पर नजर पड़ी यशोदा की, तो यशोदा बोली अरे लाला तेरी गोकुल में शिकायत, इतनी शिकायत गोकुल में हो रही है, तेरी गोकुल में शिकायत सभी कर रहे, तेरी गोकुल में शिकायत तेरे बाबा की, एक लाख गैया तेरे बाबा के लाला, तेरे बाबा के छोरा एक लाख गैया, एक लाख गैया। अरे नौमन माखन पे बजत रही तेरी शिकायत हुई रही है, यहाँ पे पड़ी तेरी शिकायत हुई रही है। अरे लाला एक लाख गैया नौमन माखन होबे तो तुम नंगटियन के घर में जाके चोरी करके मोए भली बुरी सुनबावे। भगवान बोले मैया बने उदास
प्रभु ने कही अपने मुख दा मोर मैया अब हम दिए हाई स गोकुल को छोड़ी भज जाए है लांगुरिया अरे भज जाए गो लांगुरिया मेरी ही अनुगुजर अबनाई के तू भग जाए गो लांगुरिया मेरी ही अनुगुजर अरे नाई के तू रम जाए गो सामरिया मैया अब हम जब गोकुल को छोड़ दिए एकदम जसोदा बोली गोकुल क्यों छोड़ दिए तू अरे काऊ की जागीर है गोकुल काय छोड़ दिए भगवान कहने लगे मैया तू नहीं जानते जो हम घर से निकलते हैं सोई जो गोकुल की दारी वो देवर देवर कह के बुलाती हैं मैया और माखन को लालच दे के पूरे घर को काम कराती छोटे छोटे लोटा देखें वो पानी भरबे को ले जाती और हम पे ही बछड़ा पकड़ाती हम पे ही दोनियां धुआती और जे सीला भाभी थारी सुन ले एक दिन ले गई मोए पकड़ अंगूरिया एक दिन ले गई मोकु पकड़ अंगूरिया छोटी सी जकी राम कुठरिया छोटी सी जकी राम कुठरिया साकर दे लई हसी गुजरिया और धरी जकी जूठी थाली बोली मां देव बनवारी माखन दिए और दिए पुचकारी हमने जाकी थाली मादी जाग गई बलम संग सोई मैया है जा छलनी नारी दोष अब दे रही थारी मोए मैया है छल छलनी नारी दोष मोए दे रही थारी मोए एक दिन मैया जे घूंघट मारे ठारी इनने मोसों कही कि लाला तो मेरी जूठी थाली मांजो हम तुम्हें माखन दिए और मैया जो हमने जाको जाकी जूठी थाली मांजी और जब माखन मांगी तो मेरे ऐसो घूसा दो मेरी अभे बांह सूझी भक्तों जो इतने शब्द कहे एकदम मैया जसोदा ने गोपाल को उठा के गोद में ले लो और चूम लो और उसी समय शीला ने भगवान के गाल में चपत मारी और कहा कही ऐसे ही चले आओ करो ऐसे ही देखिए लोगों कैसा प्रेम था उन लड़कियों का जीनी जीनी प्रेम की डोरी आहरी प्रेम आज मो पे डोरी न तोरी जाई जीनी जीनी प्रेम की डोरी हाय मो पे डोरी न तोरी जाई डोरी न तोरी जाय डोरी 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 न तोरी जाय हाय मो पे डोरी न तोरी जाय झीनी झीनी प्रेम की डोरी हाय मो पे डोरी न तोरी जाय एक तरफ दे रही उल्हानो जसुदा से ऋषि आई कैसा प्यार है इन लड़कियों का एक तरफ दे रही उल्हानो जसुदा से ऋषि आई
एक तरफ धीरे धीरे रसिया को रही बुलाई, धीमी धीमी प्रेम की डोरी हम पे डोरी न तोरी जाए, धीमी धीमी डोरी न तोरी जाए। या कहन लगी कि ऐसे ही चले आओ करो, भगवान करें या कहन लगे हम तो नहीं आए हैं, पहले तो तुम बुलाती हो और फिर मेरी मैया पे कुगत कराती हो। एकदम से शीला कहने लगी, श्याम दिन में एक बार मुझे अपनी प्यारी सूरत दिखा जाओ। बस भगवान कहने लगे हम नहीं आए हैं, पहले तुम बुलाती हो और फिर मेरी मैया पे कुगत कराती हो। शीला बोली, श्याम ये तो सब दिखावा है, मेरे दिल में तो तुम ही तुम हो और कोई है ही नहीं। तुम मेरी कसम हो एक बार मुझे दिन में दर्शन दे जाया करो किसी न किसी बहाने। भगवान कहने लगे हम नहीं आए, अब तुम्हें आना पड़ेगा। एकदम से जवाब दिया, मैं कहाँ आऊंगी? तो भगवान बोले बताएं, बताओ। तो बोले भगवान बताऊं? शीला बोली बताओ। एक कदम के नीचे आ जाइए कैसी ले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए कैसी ले काजल वाली। एक कटीले काजल वाली ओ सुन परसाने कटीले काजल वाली, कदम के नीचे भाई कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली। शीला कहने लगी, श्याम हद कर रहे हो, कैसे आ जाऊंगी? मेरे ससुर दरवाजे पे चार पाई डाल के लेटते हैं। भगवान बोले, अरे जो तेरो ससुरा तो को बरजे, जो तेरो ससुरा तो को रोके, जो तेरो ससुरा तो को बरजे तो, और दाब के पांव सरक आइए कटीले काजल वाली, अरे दाब के पांव निकल आइए कटीले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली। कटीले काजल वाली ओ सुन परसाने पाली, कटीले काजल वाली हाँ, कदम के नीचे भाई कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली। एकदम से कहने लगी, श्याम हद कर रहे हो, कैसे आ जाऊंगी? एक मिनट को आंगन में दिखाई ना दें तो मेरी सास खोपड़ी पे छप्पर धर लेती हैं। भगवान बोले, गोरी अरे जो सासुलिया तो को बरजे, जो तेरी सासुल तो को रोके, जो सासुलिया तो को बरजे, जो तेरी सासुल तो को रोके तो, अरे चुप का दही खवाई जाइए कटीले काजल वाली, मो चुप का दही खवाई जाइए कटीले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली।
काजल वाली और सुन बरसाने वाली काटी ले काजल वाली। हाँ ए कदम के नीचे भाई कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। शीला कहने लगी श्याम हद कर रहे हो, मेरे पिया देख तुम इतने भोले लगते हैं, का मेरी हड्डी पसली ये कर भयो तुम। भगवान बोले अरे जो तेरो सजना तो को बर ये, जो तेरो राजा तो को रोके, जो तेरो सैया तो को रोके, जो तेरो ठाकुर तो को बर, जो तेरो प्रीतम तो को रोके, जो तेरो राजा तो को रोके। तो ए दाब के पाँव सरक आइए काटीले का जलवाली, ए दाब के पाँव निकलो आइए काटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए और सुन बरसाने वाली। ए सुन बरसाने वाली और सुन बरसाने वाली, हाय सुन बरसाने वाली 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 और सुन बरसाने वाली। कदम के नीचे भाई कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली। ए सुन बरसाने वाली और सुन बरसाने वाली, कदम के नीचे भाई कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली। अरे मैं तेरो देवर तू मेरी भाभी, मैं तेरो देवर तू मेरी भाभी, मैं तेरो देवर तू मेरी भाभी। देवर को दही खवाई जाइए काटीले का जलवाली, देवर को दही खवाई जाइए काटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली। अरे पतली कमर तू लहरावे, पतली कमर तू लहरावे, मैया से आकर डटवावे, मैया से आकर डटवावे। और बताऊं अरे मन ही मन मुस्क्याए जाइए काटीले का जलवाली, तू मन ही मन मुस्क्याए जाइए काटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली। काटीले काजल वाली ओ सुन बरसाने वाली, काटीले काजल वाली। हाँ ए कदम के नीचे भाई कदम के नीचे आ जाइए काटीले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए काटीले काजल वाली। और आज आधार तो ही बुलवावे, आज आधार तो ही बुलवावे, और अब धर्म को ज्ञान करावे, तो ये धर्म को ज्ञान करावे। और मीठी कथा सुनाई जाइए काटीले का जलवाली, और मीठी कथा सुनाई जाइए काटीले का जलवाली, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का जलवाली। काटीले काजल वाली ओ सुन बरसाने वाली, काटीले काजल वाली। हाँ ए कदम के नीचे
भाई कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली, कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजल वाली। कहने लगी ठीक है श्याम, मैं तुमसे मिलने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा अब मैं चलूं? भगवान कहने लगे जाओ गोरी, और अब मैया से शिकायत मत करना। एकदम से शीला बोली श्याम दिखावा तो करने दो, वरना सोच लो दिल लगाने से पहले लोग बदनाम कर देंगे हमको। कोई न कोई बहाना करके मैं तुम्हें डट पाऊंगी और दर्शन करके अपने जी को ठंडा भी बनाऊंगी। भगवान कहने लगे सुनो, मेरी मुरली धीरे धीरे मोरली, गोरी मेरी बज रही। धीरे धीरे मोरली रानी मेरी बज रही। ये जी मैं तो बैठूंगो शीला में तो बैठूंगो, कदम किए डाल धीरे धीरे मोरली, भाभी मेरी बज रही जी। धीरे धीरे मोरली गुइया मेरी बज रही जी। नारद बैठे ढोलक प्यारी बज रही जी। एरे चिमटा पे हम चिमटा पे कायम सरदार, धीरे धीरे मोरली गोरी मेरी बज रही। अरे ग्रामो नंग थरी सूरज भैया डट रहे हो जी। ग्रामो नंग थरी सूरज मेरो डट रहे हो जी। ए जी कैसी तुम्हें हम कैसी तुम्हें भाव है उदियार, श्याम घड़ा पे श्याम को रंग में रंग रहे हो जी। अब बंद हो तू आधार,